कि आपके ऊपर सबके ऊपर जो भी इलेक्शन लड़ रहा है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी मतदाता है और आपके जैसे हमारे दोस्त हैं, उन सब पे हमारी पैनी नजर बनी है। हो सकता है सीसीटीवी के जरिए, हो सकता है हमारे अपने लोगों के जरिए, हो सकता है आप ही के मोबाइल के जरिए, इसलिए सावधान, हम आपको देख रहे हैं। कि जो यूनियन टेरिटरी की असेंबली इलेक्शन है उसकी अनाउंसमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कर दी है। रियासी जिला जिसमें 3 सीटें हैं असेंबली की, गुलाबगढ़ जो एसटी रिजर्व्ड है, रियासी और श्री माता वैष्णो देवी, ये 3 सीटों के लिए जो डेट ऑफ पोल है, मैं रिट्रेट कर रहा हूं ताकि आप अपने माध्यम से सब लोगों को जरूर बताएं, वो 25 सितंबर 2024 बुधवार को है। हमारा जो गैजेट में नोटिफिकेशन 29/8/2024 को आ जाएगा। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन जो रहेगा वो 5 सितंबर रहेगा। डेट फॉर स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन 6 सितंबर रहेगी और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर जो है वो 9 सितंबर रहेगा। आप जानते हैं कि जो फाइनल रोल्स हैं वो भी पब्लिश हो रहे हैं, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी, बताया जाएगा कि वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, अभी इसके बाद हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी मीटिंग की है, उनको दिए जाएंगे। आप लोगों की नॉलेज के लिए ये भी बता दें कि एक कंट्रोल रूम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जहाँ पे आपसे इस वक्त वार्तालाप हो रही है वहाँ बनाया गया है। राउंड द क्लॉक 24/7 हमारा ये कंट्रोल रूम अवेलेबल रहेगा। 1950 टोल फ्री नंबर अवेलेबल है। उसके अलावा 2 और नंबर हैं जो हम आपको दे देंगे, आप उसको कृपया चर्चित करें, नोटिफाई करें, ताकि लोगों को किसी भी तरीके की जानकारी की ज़रूरत है या कोई शिकायत है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उसी दिन जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने अनाउंसमेंट की थी इन प्लेस है। हमारी टीम्स FSTs फ्लाइंग स्क्वाड अपनी अपनी जगह तैनात हैं, काम कर रही हैं। जिस दिन डेट ऑफ नोटिफिकेशन होगा उस दिन से SSTs अपनी अपनी जगह तैनात हो जाएंगी। आपके माध्यम से और अभी जो हम मीटिंग करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज से, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज यकीन रखें कि देर इज़ अ लेवल प्लेइंग फील्ड। MCC की कोई वायलेशन कोई भी व्यक्ति करेगा जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो एडवर्टीजमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आप लोग चलाएं, कृपया करके उसको MCMC से सर्टिफाई करवाएं। MCMC कमेटी हमारे यहाँ पे तैनात है, उसको हमारे ADDC साहब हेड कर रहे हैं। MCC की वायलेशन में अगर किसी भी तरीके की कोई चीज़ पकड़ी जाएगी, चाहे कैश है, चाहे लिकर है या कुछ है, उसके बारे में भी जो कमेटी है वो भी ADDC साहब हेड कर रहे हैं, उनके संज्ञान में आएगी। किसी भी तरीके का जो कैंपेन है उसमें हम रिक्वेस्ट करेंगे कि पीसफुल रहे, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में रहे, अच्छे माहौल में हो और एक दूसरे की पूर्ण रूप से, जिसको कहते हैं, इज्जत के साथ कैंपेनिंग चले, वो हम इंश्योर करेंगे। हमारी टीम्स कॉन्स्टेंटली वॉच कर रही हैं सबको, किसी को भी किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी चाहिए हो तो वो लोग आरोज जो मेरे साथ बैठे हैं, 3 आरोज हैं हमारे साथ जो मेरे लेफ्ट साइड पे हैं, सईद मजाहिर काजमी, मजाहिर हुसैन शाह, ये गुलाबगढ़ ST के आरओ हैं, पीयूष दोतरा श्री माता वैष्णो देवी के, आप इनके साथ, इन्होंने अपने लेवल पे भी जो कंट्रोल रूम्स बनाए हैं उसको भी ये नोटिफाई कर देंगे। यहाँ अगर वहाँ पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन की कोई कमी पेशी होती है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, या किसी चीज़ की कोई शिकायत है हमें बताएं, उसमें उचित कार्रवाई जो अंडर रूल्स होगी वो ज़रूर की जाएगी। एक और अपील मैं आप लोगों के माध्यम से करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप हर घर तक, हर वोटर तक ये अपील लेके जाएं कि जो लास्ट असेंबली इलेक्शन हुई थी जिला रियासी में, उसमें हमारी जो परसेंटेज ऑफ पोल था वो बहुत हाई था, तो मैं चाहूँगा कि उस परसेंटेज ऑफ पोल हाईएस्ट को हम और बेहतर कर सकें। उसके लिए मेरी अपील है हर मतदाता से, हर उस वोटर से जो इस ज़िले में है, चाहे वो पुराना है चाहे वो नया है, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले
बढ़ चढ़ के 25 सितंबर को अपने घर से निकले। जैसे इस साल लोकसभा के इलेक्शन में रियासी के मतदाताओं ने जोश दिखाया, इतने बड़े मात्रा में, इतनी बड़ी तादाद में अपने घरों से निकल के वोट किया, वैसे ही मैं चाहूँगा कि असेंबली की इलेक्शन में भी वो बढ़े और वोट करें। हम आपका साथ चाहते हैं, आपके साथ की रिक्वेस्ट करते हैं, मिलके वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल, वन ऑफ द हाईएस्ट पोलिंग वाली इलेक्शन के लिए कोशिश करेंगे और इंश्योर करेंगे लॉ एंड ऑर्डर पूर्ण तरीके से मेंटेन हो, लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए हो, एमसीसी की पालन पूर्ण रूप से हो और कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ के लिए अगर उसको कोई परेशानी होती है तो आरओस और आरओस की टीम्स, मैं स्वयं और मेरी टीम अवेलेबल है। ऑनलाइन सिस्टम्स ऑफ परमिशंस इलेक्शन कमीशन ने बनाए हैं, सुविधा ऐप है, उसके तरह और भी बहुत सारे ऐप हैं जहाँ पे आप, सी विजिल ऐप है जिसे हम मेंटेन करते हैं पूरी की पूरी विजिलेंस ऑन द एंटायर कैंपेन, तो उन ऐप्स के बारे में भी ईसीआई की साइट पे जाए, उसके बारे में पता करें, इलेक्शन कैंपेन में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो पता करें, और आप सबके साथ के साथ, सारे मतदाताओं के साथ सारे कैंडिडेट्स के साथ मुझे पूर्ण उम्मीद है कि रियासी ज़िले में एक अच्छी शांतिपूर्वक और पीसफुल इलेक्शन जरूर। क्या कोशिश है सीसीटीवी कैमरास क्या 100% पोलिंग स्टेशन में रहेंगे और लोकसभा सभा की अगर बात करें कितने परसेंट? देखिए लोकसभा में हमारे लगभग कोई 60% पोलिंग स्टेशंस के ऊपर हमने सीसीटीवीज लगाए थे जिसको हम यहाँ पे मॉनिटर कर रहे थे। इस बार जब हमारी मीटिंग हुई तो उसमें हमने ये रिक्वेस्ट की है कि मेजॉरिटी 100% में ही कोशिश करेंगे कि वो डायरेक्ट जो हमारे पास लाइव टेलीकास्ट पोलिंग स्टेशंस की वो आए। सर असेंबली इलेक्शंस में लोकसभा इलेक्शंस की तरह ही ग्रीन स्टेशंस या फिर पिंक स्टेशंस या जो भी स्पेसिफिकेशंस थी, हमारे पास टोटली फीमेल मैन स्टेशंस हैं, पीडब्ल्यूडी मैन स्टेशंस हैं, यूथ मैन स्टेशंस हैं, ग्रीन पोलिंग स्टेशंस हैं और उसके अलावा हमारे पास मॉडल पोलिंग स्टेशंस हैं, वो सब रहेंगे। जैसे उत्सव की तरह लोकसभा की इलेक्शन की गई थी, कोशिश वही रहेगी कि एक उत्सव की तरह असेंबली के इलेक्शन को भी सेलिब्रेट किया जाए। सर ऐसी कोई लोकसभा इलेक्शन में कमी थी जो आप इस बार इम्प्रूव करना चाहेंगे? देखिए आप हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं। लोकसभा में हमने जो जो चीज़ें सीखी हैं वो सब चीज़ें असेंबली में बेहतर की जाएंगी और इंश्योर किया जाएगा कि किसी भी तरीके की कोई भी कमी पेशी ना रहे। एमसी रियासी में जो पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे, जो लोग उसके पास रहते थे उन्हें वोट करने के लिए डाइट में जाना पड़ा था और डाइट के पास वालों को एमसी रियासी के पोलिंग स्टेशन, उसके लिए करेक्टिव एक्शन के लिए हमने लोगों को रिक्वेस्ट किए थे कि ट्रांसपोजिशन के लिए अप्लाई करें। ट्रांसपोजिशन के लिए काफी लोगों ने अप्लाई किया, मुझे लगता है वो काफी हद तक सॉर्ट आउट हो गया होना चाहिए। सर बहुत से चालक जो थे जो इलेक्शन ड्यूटी में थे वो वोट नहीं कर पाए थे, तो उनके लिए ये हमारे संज्ञान में है, हमने आरओस को पहले ही कहा है, क्योंकि उस वक्त जो ईडीसी या अदर थिंग्स थी वो किसी और लेवल पे आनी थी। अपने तीनों आरओस के साथ ये चर्चा की गई है, जैसा मैंने कहा कि लोकसभा में जो जो चीजें हमने सीखी है उनको बेहतर करने की पूर्ण रूप से कोशिश की जाए। सर पास्ट में देखा गया कि हिली एरियाज में चाहे वो लिकर हो या फिर पैसे मारने की वारदातें हो असेंबली इलेक्शंस में होती हैं, तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि हिली एरियाज में इस चीज को कंट्रोल कर पाएंगे? मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि आपके ऊपर, सबके ऊपर, जो भी इलेक्शन लड़ रहा है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी मतदाता है और आपके जैसे हमारे दोस्त हैं, उन सब पे हमारी पैनी नजर बनी है। हो सकता है सीसीटीवी के जरिए, हो सकता है हमारे अपने लोगों के जरिए, हो सकता है आप ही के मोबाइल के जरिए, इसलिए सावधान, हम आपको देख रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।